कौन थे ये लोग? तुम्हारा गला क्यों दबा रहे थे? हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपना भाई समझो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब कुछ तो लूट लिया उन्होंने, और तो और मेरे विकी को भी मेरे आंखों के सामने मार डाला। मुझे भी मार डालते तो अच्छा होता। नहीं, तुम्हें जीना है, अपनी इज्जत के लुटेरों को और विक्की के कातिलों को सजा दिलाने के लिए। उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो बड़े बाप के बेटे। इन बड़े बाप के बड़े बेटों की ऐसी की तैसी। कानून किसी के बाप की जागीर नहीं होता। कानून की आंख पर पट्टी इसलिए बंधी है कि वो ये ना देख सके कि गुनहगार किसका बाप है, किसका बेटा। एक बार तुम उनके नाम बता दो, इस वर्दी की कसम मैं उनके नाम जिंदगी की किताब से मिटाकर फांसी के फंदे पर लिख दूंगा। भागवत प्रसाद का बेटा विक्रम। डैडी, मैं जरा वेलिंगटन क्लब जा रहा हूँ। हाँ जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। अब ये लौट का घर नहीं आएगा मिनिस्टर साहब। आप बकता रहे इंस्पेक्टर। बक नहीं रहा, मेरे बाप को समझाने आया हूँ कि उसकी गंदी औलाद क्लब जाने के काबिल नहीं। आज के बाद तेरी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। अरे ओ इंस्पेक्टर, नशा तो मैं आज तेरे इस कपूत का उतारने आया हूँ जिसने अपने मंत्री बाप की कुर्सी का नाजायज फायदा उठाकर एक लड़की की इज्जत लूटी, उसके प्रेमी का खून किया, और ये रहा इसकी गिरफ्तारी का वारंट। वारंट? हमारी नजरों में तुम्हारी और तुम्हारे इस वारंट की औकात ही क्या है? इस थप्पड़ से तुम्हें और तुम्हारे मंत्री बाप को इस वर्दी की औकात का पता चल गया होगा। तेरी ये मजाल, तेरी ये जुर्रत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया तूने, वो भी मेरे ही घर में, मेरी आंखों के सामने। लगता है तुझे अपनी जिंदगी और अपनी वर्दी दोनों से प्यार नहीं है इंस्पेक्टर। शट अप। तुम क्या जानो, हम पुलिस वाले जिस दिन ये वर्दी पहनते हैं उसी दिन अपनी जिंदगी इसके नाम लिख देते हैं। ये वर्दी की ही शक्ति है कि पुलिस का एक मामूली कर्मचारी मंत्री के घर से उसके बेटे को घसीट के ले जा रहा है। साहब, मेरे फर्ज में रुकावट मत बनिए, वरना आपके बेटे की खोपड़ी उड़ जाएगी। इसे कहीं हट जाए मेरे रास्ते से। चलिए चल। हेलो पांडे जी, वो इंस्पेक्टर शेखर को पागलपन का दौरा पड़ गया है। मेरे बेटे को मेरे नाक रोकने पर भी मेरी आंखों के सामने पागल कुत्ता की तरह भौंकता पीटता मारता हुआ ले गया है। क्या कोई जुर्म भी बतलाया है? हाँ, कह रहा था कि किसी लौंडे का रेप और किसी लौंडे का खून हो गया है। रेप लौंडिया का होता है, आप लौंडे का बतला रहे हैं? आप जरूरत से ज्यादा घबरा रहे हैं, लौंडे और लौंडिया में फर्क ही नहीं पा रहे हैं। वही। बहुत महंगा पड़ेगा उसका आपको धमकी देना, आपके सपूत को हाथ लगाना। अरे बंद करवा देंगे साले का थाना। उस लड़की की इज्जत लूटने में कौन कौन तेरे साथ था? कौन सी लड़की? जिसके साथ तूने मुंह खोल दिया। बद्रीनाथ पांडे का बेटा था? नहीं था। कैलाशनाथ का बेटा तेरे साथ था? नहीं था। विठल राव पाटिल का बेटा तेरे साथ था? नहीं था। कैसे नहीं था? रामजादे था। जितना मारना है मार ले इंस्पेक्टर, पर तू भी नहीं बचेगा। उस लड़की की इज्जत तो मैंने लूटी या नहीं लूटी, पर तुझे इज्जत से जीने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इज्जत शब्द का मतलब तेरे जैसे बलात्कारी क्या जाने? तुम्हारी ये गीदड़ भाव क्या यहाँ नहीं चलेगी? तुम्हारे जैसे के बल निकालने के लिए मैंने ये डिपार्टमेंट जान किया है, इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट में साले करते तेरे साथ। बोल साले, बोल बोल, वरना मैं तेरी खाल उतार दूंगा। बोल कौन करते तेरे साथ? वो मंत्री बद्रीनाथ पांडे जी साहब का फोन है आपके लिए। मेरी आजादी और तेरी बर्बादी का फरमान आ गया है सरकारी कुत्ते। रामजादे, बोल कौन से, बिजी हूं मैं। ठीक है सर।
सर विक्रम को बहुत मारा इंस्पेक्टर शेखर, आप कुछ कीजिए। हाँ क्या कहा? सर पांडे जी को बोल दिया कि आप बहुत बिजी हैं, फोन पर नहीं आ सकते हैं। बहुत अच्छा किया, अब देखता हूँ उसे। मेरी टोपी लाओ। हेलो टाइम्स ऑफ इंडिया, हरामी ने एक पेपर नहीं छोड़ा, सब में हमारा भांडा फोड़ा। सीधा नहीं, हर पेपर में घुमा के लिखवाया है, हम सबको एक ही थाली का बैंगन बतलाया है। सोचता हूँ इस इंस्पेक्टर को नौकरी से नहीं दुनिया से बर्खास्त कर दूं। सिर्फ मेरे बेटे की नहीं बल्कि आप सबके बच्चों की गर्दन भी फांसी के फंदे में उलझ सकती है। जब विक्रम को इस बात का पता चलेगा कि जो गुनाह उन सब ने मिलकर किया था लेकिन उसकी सजा उसे अकेले मिल रही है, तो वो चुपचाप फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ेगा, आप सबके बच्चों का नाम भी पुलिस को बता देगा। मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो विक्रम का मुकदमा तो जज साहब की अदालत में ही पेश होगा ना, फैसला तो जज साहब के ही हाथों में है ना। इसने न सिर्फ मिस रीना की इज्जत लूटी बल्कि उसके प्रेमी का बेरहमी से खून कर दिया। अदालत से दरख्वास्त है योर ऑनर के ऐसे बेरहम मुजरिम के लिए फांसी की सजा भी बहुत छोटी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे वकील का जुर्म साबित हुआ नहीं और सरकारी वकील ने सजा तजवीज करनी शुरू कर दी। इनसे पूछिए क्या सबूत है इनके पास, पूछिए इनसे कहां है वो लड़की। इंस्पेक्टर जरा सी भी हरकत की ना तो भेजा निकाल के अदालत भिजवा दूंगा। प्रूफ मांगता है योर लॉ, वो भी हमारे खिलाफ, और विटनेस है वो लड़की जिसको हमने रेप किया था वैन के अंदर है। वो लड़की नहीं है, हमारा और हमारे फ्रेंड का डेथ वारंट है। उस डेथ वारंट को हम ऐसे नहीं जाने देंगे इंस्पेक्टर, यू अंडरस्टैंड। सर हमें बचा लीजिए सर। मुझे शक ही नहीं यकीन था कि मंत्री की गंदी औलाद के साथ इस गुनाह में तुम सब शरीक हो। अब मैं सबूत तो सबूत के साथ तुम सबको घसीटा अदालत में ले जाऊंगा। सुना था कि सर फेरा है लेकिन मुझको तो ये पागल लग रहा है, बंदूकों के साए में खड़ा है, सोच रहा है कि यहां से जिंदा चला जाएगा। हाँ जिंदा जा सकता है अगर वो ताला खोलकर हमारी मौत का सामान वो लड़की हमारे हवाले कर दे। को भूल जा, सेव योर लाइफ, अंडरस्टैंड। जल्दी कर इंस्पेक्टर जल्दी कर। तुम्हें लड़की चाहिए, ठीक है आओ मेरे साथ। लड़की मिल रही है, बंदूक हटा लो। श्रीना की गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि मुलजिम विक्रम बेकसूर है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कटहरे में आके कहिए। यस सर। योर ऑनर, वो लड़की रीना अदालत में हाजिर नहीं हो सकती इसलिए कि वो मर गई है बल्कि उसे मार दिया गया है। विक्रम नहीं चाहता था कि वो अदालत में पहुंचती, इसके खिलाफ बयान देती और इसे फांसी के तख्त तक पहुंचा देती। इसके साथियों ने वैन पर हमला किया और उस बेचारी को खत्म कर दिया। योर ऑनर, मुझे इंस्पेक्टर शेखर से चंद सवालात करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है? कोई सबूत है आपके पास जो इस इल्जाम को सच साबित कर सके? मेरे पास चश्मदीद गवाह मौजूद है, वो भी एक नहीं चार चार चश्मदीद गवाह हैं योर ऑनर, जो मौका वारदात पर मौजूद थे, और वो हैं चारों सब इंस्पेक्टर। मैं बारी बारी हर सब इंस्पेक्टर को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा योर ऑनर। इजाजत है। गीता पर हाथ रख के कसम खाओ जो कुछ कहोगे सच कहोगे। ये झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर, ये सब
आपके सब बिक चुके हैं। तुमको कानून का मुहाफिज कहते हुए शर्म आती है कि तुमने अपनी जाती दुश्मनी मिटाने के लिए चार मासूम लड़कों के ऊपर ऐसे घिनौने इल्जाम लगा दिए? तुमने ये नहीं सोचा कि उन बेचारों की जिंदगी का क्या होगा? उनके माँ बाप के नेक नाम कितने खराब होंगे? ऐसी घिनौनी हरकत तुमने की है, अगर अदालत चाहे भी तो तुम्हें माफ नहीं कर सकती। अदालत ये हुक्म देती है कि अभी इसी वक्त इंस्पेक्टर शेखर के स्टार उतार ले जाए। सब इंस्पेक्टर टू टच में वर्दी उतारनी है तो इनकी उतारिए योर ऑनर्स। जिन्होंने वर्दी को वर्दी ना समझकर कानून की लाश पर डाला कफन समझकर इसे पहन रखा है। जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है या झूठ, इस बात का सबूत रास्ते में हमला करने वाले वो लड़के दे सकते थे, वो भाग गए, या फिर वो लड़की सबूत देकर आपकी हर बात को सच साबित कर सकती थी, लेकिन वो मर गई। नहीं, वो मरी नहीं योर ऑनर, वो जिंदा है। रीना जिंदा है योर ऑनर। कहाँ है वो लड़की? मिस रीना यहाँ है जज साहब। इंस्पेक्टर शेखर, तुमने अदालत से झूठ क्यों बोला कि लड़की मर चुकी है? झूठ नहीं बोलता योर ऑनर, तो इन शैतानों के चेहरों से शैतानियत का नकाब कैसे उठता है? इसलिए मैंने अस्पताल के मुर्दा घर से एक मुर्दा लड़की को रीना का मास्क पहनाकर वैन में रख दिया था। मिस रीना को विटनेस बॉक्स में बुलाओ। योर ऑनर, मैं मिस रीना से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस रीना, जरा गौर से इस आदमी की तरफ देखिए, क्या यही वो आदमी है जिसने अपने साथियों से मिलकर आपके साथ बलात्कार किया और आपके प्रेमी का खून किया? बोलिए, जवाब दीजिए। कमीनो, छोड़ दो रीना को, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तुझे जिंदा। देखा यो ऑनर, किस तरह इस लड़की ने भारी अदालत में चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, ये मुजरिम नहीं है, ये बेकसूर है। रीना, रीना होश में हो, रीना, रीना होश में हो, रीना, रीना होश में हो। देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रेमी और तुम्हारी इज्जत का कातिल खड़ा है। रीना, अपने आप को संभालो। रीना, अदालत को बता दो कि असली मुजरिम यही है। तमाम गवाहों की बयानात और मिस रीना की शनाख्त को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुल्जिम विक्रम बेकसूर है, लिहाजा अदालत मिस्टर विक्रम को बाइज्जत बरी करती है। आसमान पर थूका अपने ही मुंह पर आता है इंस्पेक्टर। See you, buddy boy. Look at that!